नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हिंदी न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यूपी के नए डीजीपी होंगे सीआईएसएफ के डीजी ओपी सिंह, सीएम योगी से की मुलाकात। सीआईएसएफ के डीजी के तौर पर सेवाएं दे रहे ओम प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। रविवार को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सरकार की ओर से प्रदेश के नए डीजीपी के तौर उनके नाम की घोषणा कर दी गई। जिन तीन नामों की चर्चा प्रदेश के भावी डीजीपी के तौर पर थी, उनमें एक नाम ओपी सिंह का भी था। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग में कुछ दिन का समय लगेगा। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से किसी अधिकारी को प्रदेश लाने में 2 से 3 दिनों का समय लगता है। गौरतलब है कि प्रदेश के वर्तमान डीजीपी सुलखान सिंह का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। रविवार सुबह उन्होंने भी सीएम योगी से मुलाकात की। सरकार को ऐसे डीजीपी की तलाश थी जो 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को संपन्न करा सके। इस मामले में ओपी सिंह सरकार की प्राथमिकता में फिट बैठ रहे थे। उनका कार्यकाल जनवरी 2020 तक है। इसके अलावा वरिष्ठता सूची के हिसाब से डीजीपी पद के पहले दावेदार प्रवीण सिंह का कार्यकाल जून 2018 तक है। वर्तमान में वह डीजी फायर के पद पर तैनात हैं। दोस्तों, हम आप तक नई नई न्यूज पहुंचाते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।